पिछली बार तो मार्केट इसका काफी हाई रहा था, मात्र 10 से 12 दिन के लिए ये डाउन हुआ था, नहीं तो पूरा सीजन ही मार्केट काफी हाई रहा था। और इस वजह से हर मंडी में उसकी डिमांड काफी अच्छी रहती है, और जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतना ही आपको मार्केट मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, हर समय की कुछ विशेष सब्जियां होती है तो लगातार किसान भाइयों को अच्छा प्रॉफिट देती है। उन्हीं में से अगर बात करें नवंबर के महीने की, तो नवंबर के महीने में चार ऐसी सब्जियां जो अगर आप नवंबर के महीने में लगाते हैं तो आप बहुत कम खर्चे में शानदार प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो लगातार कोशिश रहती है वो कोशिश ये रहती है कि आप कम खर्चे वाली सब्जियां लगाएं, ज्यादा खर्चे वाली सब्जियों की तरफ ना जा करके कम खर्चे की सब्जियां लगा करके आप ज्यादा प्रॉफिट कमा पाए। तो आज के वीडियो में हम आपको चार ऐसी सब्जियां बताने वाले हैं जो अगर आप 25 नवंबर तक लगाते हैं तो यकीनन आपको शानदार प्रॉफिट देगी, शानदार मार्केट से दाम मिलेगा, शानदार उत्पादन मिलेगा। तो ये कौन कौन सी सब्जियां हैं, इनका लगाने का तरीका आपका क्या रहना चाहिए, इनमें कितना खर्चा होता है, इन सब्जियों से आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। किसान भाइयों, मेरा नाम राजूलाल मीणा है, गांव रामगढ़ पचौरा, जिला दूसरा राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी, जो चार सब्जियां आप बताने वाले हैं वो तो मैं जानूंगा, लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा किसान भाई सब्जियों से पैसा बहुत कम किसान कमा पा रहे हैं, मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखो, मुख्य वजह ऐसी कोई मुख्य वजह नहीं होती, लेकिन किसान क्या है कि थोड़ा लापरवाही कर जाता है। लापरवाही नहीं करना चाहिए। मैंने देखो, मैं मेहनत भरपूर करता हूँ, किसान भाई मेहनत भरपूर करता है, और जब तक उसकी फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है ना तब तक मेहनत भरपूर करता है, उसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट हार्वेस्टिंग होती है ना उसके बाद में किसान भाई थोड़ा ध्यान कम देने लग जाता है। क्योंकि देखो, सोच मेरी भी ऐसी थी और किसान भाई की सोच ये होती है कि अब अपनी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है तो उसमें देखभाल करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन किसान भाइयों असली मेहनत जो हमारी स्टार्ट होती है ना वो फर्स्ट हार्वेस्टिंग से होती है। देखो, सबसे पहले तो हमने ये थोड़ी मेहनत की, उसको तैयार किया, सब कुछ कंप्लीट करके फर्स्ट हार्वेस्टिंग तक लेके आ गए हम। उसके बाद में अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो फर्स्ट जो पहली तुड़ाई होगी ना वो उसी में माल देगा, सेकेंड तुड़ाई में माल बिल्कुल भी डाउन हो जाता है, और उसके बाद में हम अगर दोबारा से खर्चा करना स्टार्ट कर देंगे तो जितना पहले आपने खर्चा किया ना उतना ही खर्चा आपको बाद में करना पड़ेगा। तो देखो कि उसमें होता क्या है कि जैसे हमने पहले काफी खर्चा कर लिया, उसके बाद में भी अगर हम और खर्चा करेंगे तो हमारा डबल खर्चा हो गया, तो मुनाफा कहाँ से कमा पाएंगे बताओ। तो किसान भाई, जब आप पहली हार्वेस्टिंग करते हो ना तो उसके साथ साथ जब आप पौधे की शुरू से देखभाल करते हो ना उसी प्रकार से आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग से देखभाल करोगे ना तो कौन कहता है कि आप सब्जी में नुकसान में जाओगे। देखो, मैंने भी बहुत कुछ किया है, मैं भी मेहनत करता हूँ आपके तरह, मैं भी एक आम किसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जो मेरे पास नॉलेज होती है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मैंने भी, मेरे पीछे आप लोग की देख सकते हो तो लौकी भी मैंने काफी मेहनत की है, अब तक मेरी लौकी की मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ तो फर्क होता है ना, मेहनत का या देखभाल का कुछ ना कुछ फर्क होता है, तभी तो मैं हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ, नहीं तो कई किसान भाइयों के जामे खत्म हो चुके हैं, उनके जाल खत्म हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य वजह यह होती है कि आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है फर्स्ट हार्वेस्टिंग के बाद में। जी, पहले नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे 25 नवंबर से पहले किसान भाई लगा देता तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है? किसान भाइयों देखो, समझदारी दिखाओ, और अब भी मैं बोल रहा हूँ कि अब भी मैं जो बता रहा हूँ वो आप सब्जियाँ लगा दीजिए, मैं हाई कॉस्ट पे मत जाइए, बिल्कुल लो कॉस्ट वाली सब्जियाँ लगाई तो आप पहले नंबर पर अब भी आप टिंडा लगा सकते हो। किसान भाई, मैंने टिंडा लगाया, अब मैं उसकी इस टिंडे की 10 दिन बाद में मेरी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे पहले मार्केट में टिंडा लेकर जाएंगे तो आप उसका मार्केट का भी अंदाजा लगा सकते हो, तो कितना मार्केट आपको मिल सकता है। ज्यादा उम्मीद मत करो, लेकिन 40-50 का मार्केट तो आपको शुरुआती तौर पर मिल ही जाएगा, क्योंकि 10 दिन बाद में मेरे टिंडे की जो आप टिंडा देख रहे हो उसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। तो किसान भाई जैसे टिंडा ही लगाना चाहता है, ये 56 टिंडा है जी, इसको लगाने की विधि क्या रहनी चाहिए वो बता दें एक बार थोड़ी। देखो किसान भाइयों, अगर टिंडा लगा रहे हो तो सबसे बेस्ट विधि है नाली विधि से ही मैं हमेशा लगाता हूँ, और इसमें क्या है थोड़ा उत्पादन भी अच्छा खासा मिल जाता है और जो पौधे की ग्रोथ है ना वो भी अच्छी खासी हो जाती है। क्योंकि उसका देखो ये कारण होता है कि हम बेड विधि से बनाते हैं तो ऊपर की मिट्टी ऐसे कैसे रहती है, और हम जब नाली बनाते हैं तो वहाँ पे क्या है बिल्कुल फ्रेश मिट्टी निकलती है, तो उसके बाद में जब हम उसमें न्यूट्रिएंट डालेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, तो सारा सब कुछ है ना वो उसी पौधे को मिलता है।
जो पौधा हम नाली में लगा रहे तो उस वजह से क्या है कि इसकी थोड़ा उत्पादन भी काफी अच्छा रहता है, पौधा ग्रोथ भी अच्छी खासी कर लेता है। तो इस वजह से किसान भाई बिल्कुल नाली विधि सबसे बेस्ट रहती है टिंडे के लिए। जी इतने महीने चल जाती है ये फसल? देखो ये 3 महीने के आसपास में चलती है, अगर जैसे अच्छी खासी देखभाल हो तो 10-15 दिन और एक्स्ट्रा चल जाती है, इतना ही चलती है। मार्केट से क्या उम्मीद है टिंडा, क्या मार्केट से दाम क्या मिल जाता है टिंडे का? पिछली बार तो मार्केट इसका काफी हाई रहा था, मात्र 10 से 12 दिन के लिए ये डाउन हुआ था, नहीं तो पूरा सीजन ही मार्केट काफी हाई रहा था। और इस बार भी उम्मीद है कि मार्केट अच्छा खासा रहेगा, लेकिन फिर भी अगर जिन किसान भाइयों ने शुरुआती अगेती टिंडा लगाया होगा तो उनको तो अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा, और जो अब किसान भाई लगा रहे हैं तो उनके भी ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 20 से 25 के बीच में हमारे उसकी संभावना है कि मार्केट मिल सकता है। जी दूसरे नंबर पे कौन सी सब्जी बताना चाहेंगे सर जी आप? देखो दूसरे नंबर पे किसान भाइयों में आपको मटर अब भी सजेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मटर एक ऐसी चीज है उसमें सीड्स का खर्चा है और उसके बाद में बेसल डोज का खर्चा है, इसके अलावा उसमें कोई खर्चा नहीं होता, कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है, बाद में आपको नाइट्रोजन के लिए यूरिया डाल देना है, सिर्फ यूरिया डालने के बाद में जब आप उसमें फर्स्ट पानी लगाते हो उसके हिसाब से चलेगा, सेकंड पानी में अलग थोड़ा डोज लगेगा, तो उसमें बिल्कुल भी कम खर्चा है। और मटर एक ऐसी चीज है कि हर मंडी में उसकी डिमांड काफी अच्छी रहती है, और जितनी ज्यादा सर्दी पड़ेगी उतना ही आपको मार्केट मिलने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आप किसान भाइयों अब भी आपको मटर सजेशन करना चाहूंगा कि मटर अब भी आप मटर लगा सकते हैं। बिल्कुल लगाने की विधि बताएं, किस विधि से किसान भाई लगाए खेत में? किसान भाइयों दो तरीके से मटर आप लगा सकते हो, या तो लेवर से आप एक एक दाना चोप भी सकते हो, या फिर आप ट्रैक्टर से मशीन द्वारा उसको बिजाई भी करवा सकते हो। जी कई किसान भाई बोलते हैं यार हम तो ड्रिप पे लगाना चाहते हैं, बेड पे लगाना चाहते हैं, तो क्या वो विधि ज्यादा बेटर रहती है या फिर परंपरागत तरीके से लगाए वो बेटर? उसमें देखो आप बेड पे भी लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसमें आपको उत्पादन कम मिलेगा ना, तो हमको क्या है उत्पादन अधिक लेना है, तो बेड विधि पे लगाओगे तो उनमें जगह रहेगी, और जगह रहेगी तो आपको उत्पादन कम मिलेगा, हार्वेस्टिंग कम होगी, माल कम निकलेगा तो मंडी में आपको पैसा भी कम मिलेगा। तो आप सबसे अच्छा है कि फवारा विधि लगाइए, या आप क्यारी से भी लगा सकते हैं, खुला पानी भी आप चला सकते हैं, फवारा विधि से सबसे बेस्ट रहता है, इसमें पानी भी कम लगता है, बहुत 3 से 4 बार आप इसमें फवारा लगाओगे तो मटर की हार्वेस्टिंग हो जाती है। जी 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 मटर की हार्वेस्टिंग कितने दिन में चालू हो जाती है? किसान भाइयों मटर की हार्वेस्टिंग वैसे तो आपको 60 से 70 दिन के करीब लगेगा, लेकिन मैं फर्स्ट जो हार्वेस्टिंग करूंगा वो आपको मात्र 50 दिन में करके दूंगा। 50 दिन में? बिल्कुल 50 दिन में मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर लूंगा। क्या उम्मीद है कि मटर की हार्वेस्टिंग जैसे 50 दिन में आप कर लोगे, क्या मार्केट से दाम मिल सकता है? किसान भाई देखो मैंने मटर लगा रखी है और ये मटर मेरी कम से कम 15 से 16 दिन की हो चुकी है, तो मैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग जल्दी कर लूंगा, तो मेरे को तो 100 से ऊपर का अभी जो मार्केट मिलेगा कन्फर्म है वो मिलेगा ही, क्योंकि लोकल जो हमारे एरिया में लोकल मटर चलता है वो किसान भाई अब लगा रहे हैं या अब आपसे 2-3 दिन पहले लगाए थे, तो मैंने तो बहुत दिन पहले लगा दिया था। जी 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 तीसरे नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे सर? किसान भाइयों आप तो तीसरे नंबर पे आप पालक लगा दीजिए, समझदारी दिखाइए, जितनी आप समझदारी दिखाओगे, जितना आप किसान भाइयों से अलग चलोगे तो उतना ही अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो, तो आप बिल्कुल पालक लगा दीजिए, पालक में भी अच्छी खासी कमाई है, ना कोई खर्चा है, सीड्स का खर्चा, वो बेसल डोज का खर्चा, इन्हीं पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जो जितनी कम कॉस्ट आए ना सब्जियों में उतनी ही लगाता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट का ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ ना आप कुछ कर सकते हो, मंडी होती है, मार्केट कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी अप हो सकता है, तो उस हिसाब से आपको चलना चाहिए, ज़्यादा खर्चा हाई कॉस्ट पे नहीं जाना चाहिए, जितना आप कम खर्चा करोगे तो उतना तो निकल ही आता है, ऐसी बात नहीं है कि उससे कहीं ना कहीं डबल तो निकल ही आता है। तो जैसे किसान भाई पालक ही लगाना चाहता है, बहुत कम खर्चे वाली सब्जी है, लगाने की क्या विधि रहनी चाहिए पालक की? किसान भाई पालक तो आप क्यारे में भी लगा सकते हो या आप बेड पे भी लगा सकते हो, किसी भी प्रकार से पालक लगा सकते हो, दोनों सब प्रकार से पालक होता है, अगर पानी की सप्लाई ज़्यादा है तो आप खुली क्यारे में भी लगा सकते हो, अगर पानी की सप्लाई कम है तो आप जो रेन पाइप आता है उसका भी यूज कर सकते हो, रेन पाइप सबसे बेस्ट होता है, रेन पाइप का आप पालक में या धनिया में आप उसका इस्तेमाल कीजिए, तो उससे क्या है कि देखो फवारा विधि से हम पालक लगाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि जहाँ पे फवारा ज्यादा जाएगा वहां पे पालक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और उस पर मिट्टी चढ़ जाती है, तो उस वजह से पालक में तो कहीं ना कहीं समस्या देखने को मिलती है। अगर आप पालक लगा रहे हो तो मैं आपको रेन पाइप सजेस्ट करना चाहूंगा कि रेन पाइप आप जरूर से जरूर लाइए और उसमें पालक लगाइए, वो बिल्कुल आपको 1% भी नुकसान नहीं होगा। जी जी पालक तैयार होने में हार्वेस्टिंग के लिए कितना टाइम ले लेता है?
पालक तो किसान भाई, पालक तो आप 25 दिन में ही हार्वेस्टिंग कर सकते हो, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 25 दिन में आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चालू हो जाएगी बिल्कुल। और इसकी तीन कटाई होती है, तीन कटाई में समझो कि एक कटाई में आपको मार्केट कम मिला, दूसरी कटाई में सेकंड कटाई में आपको ज्यादा मिल गया, तो वो उसमें कहीं ना कहीं जो इसका मिडिल रूप होता है ना वो एवरेज आ जाता है मंडी का, और आप अच्छा खासा पालक से पैसा कमा सकते हो। अभी के टाइम पे लगाए हुए पालक का क्या मार्केट मिल सकता है किसान भाई? अगर पालक का आपको 20 रुपए भी मार्केट मिल रहा है तो काफी अच्छा मानता हूँ मैं पालक में, तो 20 रुपए भी बहुत अच्छा होता है मार्केट, और उससे ऊपर मिल गया तो आपने बढ़िया है, बढ़िया है जी। चौथे नंबर पे कौन सी सब्जी रखना चाहेंगे किसान भाई? चौथे नंबर पे तो आप देसी लहसुन लहसुन लगा दीजिए। लहसुन का आपको ध्यान ही है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि आपको कितना मार्केट मिलेगा या कितना मिल सकता है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल आप लहसुन लगा दीजिए। लहसुन देखो एक ऐसी चीज है वो कहीं भी हो जाता है, जैसे आपने रंजका कासनी कुछ भी लगा रखा तो उसकी मेड़ों पे लगा दीजिए, या और कोई सब्जी लगा रखे हो उसकी मेड़ों पे लगा दीजिए, मिर्ची लगा रहे हो उसकी मेड़ों पे लगा दीजिए, और कोई सब्जी जैसे मटर लगा रहे हो उसकी मेड़ों पे लगा दीजिए, कहीं पे भी जितनी आपको जगह मिल सके उतनी जगह पे आप लहसुन लगा सकते हैं। लहसुन एक ऐसी चीज है बिल्कुल कम जगह गिरता है बिल्कुल, और जल्दी ही हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि वो उसमें कोई अलग से देखभाल की जरूरत है, अलग से न्यूट्रिएंट देने की जरूरत है। जो आप सब्जियों में न्यूट्रिएंट डालते हो, हम क्या करते थे कि मिर्ची लगाते थे ना उसकी मेड़ों पे लगा देते थे, और जो हम मिर्ची में न्यूट्रिएंट वगैरह सब कुछ डालते थे वो ही लहसुन को मिल जाता था, और लहसुन की जो साइज है ना 200-250 ग्राम तक एक लहसुन की साइज हो जाती थी। तो आप किसान भाई जहाँ भी जगह मिले जितने भी आप मेड़ों पे लगाए या फिर आप अलग से भी लगा सकते हैं लहसुन को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो लहसुन का मार्केट काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा मिल रहा है, काफी अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो आप लहसुन पे भी ध्यान दीजिए, लहसुन का अभी जो बीज लेके आया है वो, और आप देसी लहसुन का जो समय चल रहा है देसी लहसुन आप लगा सकते हो, तो उससे भी अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हो जी। कई किसान भाई जैसे बेड विधि से लगाना चाहे, तो बेड विधि से लगाना बेटर रहेगा फिर सिंपल विधि से लगाना बेटर रहेगा? आप बेड विधि से भी लगा सकते हो, बेड विधि से देखो सिंपल विधि से लगाने में ये दिक्कत रहेगी कि जो हम न्यूट्रिएंट्स डालते हैं ना वो किसी पौधे को मिलता है किसी को पौधे को नहीं मिलता है, और बेड विधि से हम अगर लगाते हैं तो सभी पौधे को समान रूप से उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तो वो उनकी जो फूलने की क्षमता होती है ना वो सभी बिल्कुल समान होती है। और जो हम परंपरागत तरीके से लगाते हैं तो उसमें क्या है कि जिस पौधे को न्यूट्रिएंट्स कम मिला वो कम फूलेगा और जिसको ज्यादा मिल गया वो ज्यादा फूलेगा, तो उस वो साइज का कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है और कोई दिक्कत नहीं होती। तो बेड विधि से लगाए ड्रिप विधि से लगाए तो बेटर रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बेटर रहेगा। देखो बेड विधि से हर कोई सब्जी कोई सी भी सब्जी देख लीजिए वो बेटर रहती है जी। किसान भाई जैसे बेड विधि से लगाना चाहता है, बेड विधि अपन किसान भाई को सजेस्ट करना चाहेंगे, इसमें बीज से बीज की दूरी कितनी रखें? देखिए एक लहसुन में जो लहसुन हमने यहाँ पर लगा दिया तो उसके चारों तरफ कम से कम 4 इंच की दूरी तो रहनी चाहिए, 4 इंच इस साइड 4 इंच इस साइड 4 इंच इस साइड और इस साइड, तो 4 इंच की तो दूरी हमेशा रखनी रखनी चाहिए, क्योंकि देखो जो कंद होता है लहसुन का तो उसको फूलने की जगह भी हमें रखनी चाहिए, तो तभी फूल पाता है वो। बिल्कुल सर, जैसे किसान भाई ने लहसुन एक बार लगा दिया, लहसुन तैयार होने में कितना टाइम ले लेता है किसान भाई? लहसुन तैयार होने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपको 2.5 से 3 महीने के करीब लहसुन तैयार होने में ले लेता है। बिल्कुल जी। कोई मुख्य समस्या अगर लहसुन में आती हो तो आप किसान भाई को एक बार बता सकते हैं? वैसे तो कोई इतनी ज्यादा खास मुख्य समस्या देखने को नहीं मिलती, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्प्रे कर सकते हो। कोई विशेष चीज इन सब्जियों के बारे में आप बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि आप टिंडा लगाइए, मटर लगाइए, बिल्कुल कम कॉस्ट वाली सब्जी है तो आप जरूर से जरूर लगाइए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर से जरूर लगाइए। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।